गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका टॉपिक है डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क। ये क्लास फोर्थ की पोम है इंग्लिश की बुक में। सो देखते हैं इसका लेसन प्लान मैंने किस तरीके से प्लान किया है। आई होप आपको मेरा लेसन प्लान पसंद आएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, सो डैट मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटो है वो कम्प्लीटली फुलफिल रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका फीडबैक। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले आप इस तरीके से बीच में लेसन प्लान लिखोगे, देन उसको आप सीरियल नंबर दोगे। उसके बाद आता है पीपल टीचर नेम, जहाँ पे आपका नेम आएगा। सो माय नेम इज़ मनीषा मीना, एंड सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखेंगे। आपकी चॉइस है, अगर आप ब्रैकेट में पोम लिखना चाहते हैं, स्टोरी लिखना चाहते हैं, आप जिस भी स्टोरी का लेसन प्लान बना रहे हो तो आप स्टोरी लिख सकते हो। अगर आप किसी पोम का लेसन प्लान बना रहे हो तो आप पोम लिख सकते हो, बट इट्स ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो, जैसे मैंने नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क। क्लास फोर्थ है, और डेट मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि आपको भी पता होगा जिस दिन हम डिलीवर करते हैं लेसन प्लान उस दिन का डेट यहाँ पे लिखते हैं, तो मैंने अभी तक ये डिलीवर नहीं किया है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन, तो यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने 35 मिनट्स की ली है। उसके बाद हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट कैन नो अबाउट मून, सन एंड लाइट। देन सेकेंड, स्टूडेंट्स कैन मेक शॉर्ट फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल डोंट, डू नॉट, कुडंट, कुड नॉट, एक्सेट्रा। देन थर्ड, स्टूडेंट आर फ्रेंडली विद द डार्क। देन फोर्थ, दे विल टेक इंटरेस्ट इन द पोम। उसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग मटीरियल, यानी कि TLM। सो हेयर आई यूज ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, जो हमारे बेसिक TLM होते हैं जो हम सभी क्लासेस में यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक TLM यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिक्चर चार्ट, वर्कशीट एंड टेक्स्ट बुक। उसके बाद आता है मेथडोलॉजी, तो लेक्चर मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड एंड डिस्कशन मेथड। देन प्री रीडिंग टास्क, प्री रीडिंग टास्क पढ़ने से पहले, लाइक अदर सब्जेक्ट का अगर हम लेसन प्लान देखते हैं तो उसमें हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, तो ये भी एक तरीके से वही है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस पूछती हैं वो भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द डे इज एंड, तो बच्चे आंसर करेंगे इट्स नाइट। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर और इन द स्काई एट नाइट। अब हम वहाँ स्टूडेंट्स को एक पिक्चर दिखाएंगे, किसकी, नाइट की, जिसमें है मून, स्टार्स। सो बच्चे उस पिक्चर को देख के बताएंगे कि उन्हें पिक्चर में क्या दिख रहा है, तो बच्चे आंसर करेंगे मून, सन, एक्सेट्रा। देन डू यू लाइक स्टार्स, तो बच्चे बोलेंगे येस और नो। देन हम यहाँ पे क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ही हो, आप जो अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे ही ख़त्म करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है। सो यहाँ पे हम उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी कि हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिसाइट अ पोम नेम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क बाय रस्किन बॉन्ड। वाइल रीडिंग, अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन जो पार्ट होता है उसको हम वाइल रीडिंग बोलते हैं। फर्स्ट, पीपल टीचर स्टार्ट रिसाइटिंग द पोम अलाउड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इनोटेशन, प्रोनंसिएशन एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिसाइट अलोन। अब यहाँ पे जो पीपल टीचर है वो पोम को रिसाइट करेंगी फॉर एटलीस्ट टू टाइम्स। आफ्टर रिसाइटिंग द पोम फॉर एटलीस्ट टू टाइम्स, पीपल टीचर बिगिन एक्सप्लेनिंग इट स्टैंजा वाइज। अलोंग विद दिस, पीपल टीचर राइट द डिफिकल्ट वर्ड ऑन ब्लैक बोर्ड विद देयर मीनिंग्स। फिर यहाँ पे मैंने न्यू वर्ड के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आप न्यू वर्ड्स लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट रीडिंग, पीपल टीचर विल रिकैप्चुलेट द पोम एंड टेल द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स अगेन। उसके बाद यहाँ पे हम एक वर्कशीट स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस वर्कशीट में क्या है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कस द क्वेश्चन विद द स्टूडेंट गिवन ऑन वर्कशीट। देन होमवर्क, पीपल टीचर टेल स्टूडेंट्स टू मेक अ ड्राइंग ऑफ स्काई एट नाइट टाइम एंड डे टाइम।
यहाँ पे फिर हम रिमार्क लिखेंगे जो किसका होता है, सुपरवाइज़र का। आपके सुपरवाइज़र आपको एज्यूम करके उस पर रिमार्क देंगी कि आपने किस तरीके से इस लेसन प्लान को क्लास में डिलीवर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, और इसकी हेल्प से आप अदर टॉपिक्स पे भी लेसन प्लान डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए प्रोवाइड कराने की। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।